आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सामने आया सऊदी अरब का दोहरा चेहरा, जंग के बीच फिलिस्तीनी मुल्क को अपने नक्शे से हटाया। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी फेज की वोटिंग, पीएम मोदी, कंगना रनौत समेत 904 उम्मीदवारों के बीच हुई जंग। वोटिंग के बीच बंगाल में फिर खूनी खेल, सीपीएम और आईएसएफ के कई कारकुनान जख्मी। लोकसभा इंतखाबात 2024 पर करोड़ों का खर्च, इस साल खर्च हुए 1.35 लाख करोड़ रुपए। महीने के पहले दिन मिली अच्छी खबर, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 72 रुपए की गिरावट। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा, गजा में जंगबंदी का किया मुतालबा। नॉर्थ ईस्ट में रेमल तूफान से तबाही, मरने वालों की तादाद 40 के पार पहुंची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिला ग्रेनेड, रोबोट की मदद से ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज। शुमाली हिंद में तपती गर्मी का कहर, यूपी बिहार में मरने वालों की तादाद 200 के पार। खुद को मुसलमानों का सरबरा कहने वाले सऊदी अरब का दोहरा चेहरा फिर दुनिया के सामने आ गया है। दरअसल सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी मुल्क को अपने स्कूली किताबों के नक्शे से बाहर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल से रिश्ते बेहतर करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर फिलिस्तीन को नक्शे से हटाया है। बीते कुछ सालों से सऊदी अरब इसराइल की खुशामद में लगा है और लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे यहूदी कौम खुश हो जाए। ये फैसला भी इसी की एक कड़ी है। यही तो वजह है कि फिलिस्तीनी मुसलमानों को इतनी आसानी से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को मालूम है कि अरब के ये मुस्लिम ममालिक उनकी मुट्ठी में हैं और वो उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। आज फिलिस्तीनी मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है उसकी असली वजह इन अरब ममालिक की खामोशी है, क्योंकि सोचने वाली बात है, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक से घिरे फिलिस्तीन को आज अदना सा एक इसराइल अपना निशाना बना रहा है। अगर ये ममालिक फिलिस्तीनियों का मदद देते तो क्या इसराइल इस तरह की कार्रवाई कर पाता? सूरत हाल तो ये है कि आज गैर मुस्लिम ममालिक फिलिस्तीनी मुसलमानों के असल हमदर्द है, क्योंकि वो फिलिस्तीन की मदद के साथ इजरायली हुकूमत को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन इस खुलासे ने अरब ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब का दोहरा खेल जग जाहिर कर दिया है। सऊदी अरब और अरब के मुस्लिम ममालिक तो फिलिस्तीन को धीरे धीरे दुनिया से ही मिटा देना चाहते हैं, और ये खुलासा इसी ओर इशारा करता है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान इजरायल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और यही वजह है कि लगातार इजरायल से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। साथ ही सऊदी के हुक्मरानों को लगता है कि फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिमायत करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे बेहतर है कि अमेरिका और इसराइल की गोद में बैठा जाए। सालों से ही सऊदी अरब और अरब के दूसरे मुस्लिम ममालिक फिलिस्तीन के मसले को या तो नजरअंदाज करते हैं या उस पर गौर और फिक्र नहीं करते। यही वजह है कि इसराइल बरसों से फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। यहाँ तक कि इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से इन मुल्कों ने झूठी हमदर्दी के ढोंग के अलावा कुछ नहीं किया है। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कई अरब ममालिक पर्दे के पीछे इसराइल से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको अमेरिका की सरपरस्ती मिलती रहे। यही वजह है कि ये ममालिक इसराइल के खिलाफ कुछ भी कहने या करने से बचते हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि इन मुस्लिम ममालिक के लिए फिलिस्तीन का मसला सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने का एक तरीका है। असल बात तो ये है कि फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों के असली मुजरिम तो ये अरब के मुस्लिम ममालिक हैं, जो सालों से फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ दोहरा खेल खेल रहे हैं। कितनी दुख की बात है, मस्जिद अक्सा और इस्लाम के लिए हर रोज यहूदी ताकतों से लड़ रहे बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों को ये मुस्लिम ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर किस तरह धोखा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी कमीशन ने मदरसा के बच्चों को हिरासत में लेने और जुवेनाइल होम भेजने के मामले में रेलवे पुलिस के अहलकारों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बिहार के कुछ बच्चे ईद की छुट्टियों के बाद अपने मदरसे लौट रहे थे, तभी रेलवे पुलिस ने इन बच्चों को कानपुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में ले लिया था। माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े जिम्मेदारों ने बताया कि बच्चों को हिरासत में लेना ना सिर्फ गैर जरूरी था बल्कि भेदभाव पैदा करने वाला भी था। जरूरी कागजात मुहैया कराने के बावजूद ना सिर्फ 14 बच्चों को हिरासत में लिया गया बल्कि एक हफ्ते के लिए उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया था। माइनॉरिटी कमीशन के सदर शकील अहमद ने मामले पर हैरानी जताते हुए सख्त एक्शन की मांग की है। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर अमित द्विवेदी ने बच्चों पर कार्रवाई को लेकर जो रद्द अमल पेश किया वो नाकाफी है और उनकी कार्रवाई से बच्चों को मुजरिमों की तरह एक हफ्ते जुवेनाइल होम में रखा गया। केरल में एक मुस्लिम शख्स को यहूदी इबादत गाह के बाहर तस्वीरें लेना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ गया। दरअसल तस्वीरों के बाहर आने के बाद केरल पुलिस ने न सिर्फ उसे हिरासत में लिया बल्कि उससे कई घंटों तक पूछताछ भी की। बाद में मुस्लिम शख्स ने बताया कि पुलिस ने उससे कई घंटों की पूछताछ के दौरान आईएसआईएस और दहशतगर्दी से जुड़े सवाल पूछे और उसके साथ सख्ती भी की गई, जिस
जिससे वो काफी डरा हुआ है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को शुरू हुए 8 महीने होने वाले हैं और इस जंग में मरने वालों की तादाद 40 से 50 हजार के पार हो चुकी है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर CPIM पार्टी ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें दिल्ली के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत करते हुए गजा में जंग बंदी का मुतालबा भी किया। कर्नाटक के कॉलेजों में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। दरअसल बीते दिनों सूबे के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हिंदू गाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम तलबा आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आसपास के इलाके में तनाजा फैल गया, जिसके बाद 17 मुस्लिम तलबा पर FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला उस वक्त पेश आया जब एक प्रोग्राम के दौरान कुछ हिंदू तलबा ने भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा नाम के गाने को बजाया, जिस पर कुछ मुस्लिम तलबा ने एतराज जताया, जिसके बाद तलबा आपस में भिड़ गए। मामले में कई तलबा को मामूली चोटें भी आई थी। पुलिस के आला अफसरान ने बताया कि जैसे ही मामले की मालूमात पुलिस को मिली, फौरन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और मामले को काबू में कर लिया है। सामाजिक हम आहंगी को बढ़ावा देने के लिए जमात इस्लामी हिंद भोपाल ने शाहजहानाबाद की फैज मस्जिद में मस्जिद तारुफ नामी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, और आपको बताते चलें जिसमें सभी मजहब के लोगों ने शिरकत भी की। इस दौरान उन सभी लोगों को मस्जिद में दाखिल होने के आदाब से लेकर वजू खाने, मिंबर नमाज की जगह वगैरह के बारे में भी तफसीली मालूमात फरहम की गई, और बाद में उन्होंने नमाज अदा करते नमाजियों को देखते हुए कुरान की आयतें भी सुनी, जिसके बाद मस्जिद में आए गैर मुस्लिम मेहमानों ने खुशी का इजहार करते हुए ये बात कही है कि मस्जिद अजान और नमाज को लेकर उनके मन में जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई हैं। इस मौके पर मेहमानों ने और क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। तो एक अच्छी चीज है, यहाँ आने के बाद भी हमको पता चली कि वास्तव में इस्लाम क्या है, वास्तव में मुसलमान क्या है। मुसलमान धन ईमान, जिसका ईमान मुसलमान है, जो ईमान पे कायम है वो मुसलमान है। नमाज कैसे अदा की जाती है, तो अपना बराबरी का दर्जा। मैं निशा मेहरा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जो नमाज पढ़ी गई उससे हमें सीखने को मिला कि अनुशासन कैसा होता है, गरीब और अमीर एक बराबर, छोटा बड़ा एक बराबर। मैं डॉक्टर रानी पटेल, जो लोग मुझे बोलते थे कि मस्जिद ये है वो है, पर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है, और मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, जात धर्म कुछ नहीं होता है, सब एक है और सभी मिलकर रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, थैंक यू सो मच। एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिम सियासत उरूज पर है, वहीं राजस्थान की मुस्लिम खवातीन ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल राजस्थान की बाड़मेर जिले की मुस्लिम खवातीन हिंदू खवातीन के साथ मिलकर राहगीरों को इस तपती गर्मी में पानी और शरबत बांट रही हैं। हिंदू मुस्लिम खवातीन की कोशिशों को देखकर न सिर्फ आसपास के लोग काफी खुश हैं, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। इन दिनों पूरा शुमाली हिंद गर्मी से परेशान है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार के सभी जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं, जिसके चलते जुम्मे को भी दिन भर चिलचिलाती धूप और हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल रहा। इस बीच पूरे प्रदेश में गर्मी और लू लगने की वजह से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा लोग बड़ी तादाद में बीमार भी पड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए CM नीतीश ने सभी जिलों के DM को गर्मी और लू को लेकर मुनासिब कार्रवाई करने के हुक्म दिए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 पोलिंग अमले के लोग थे और 4 आम आदमी शामिल हैं। आपको बताते चलें, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिन में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में खौफनाक गर्मी के बीच आग लगने की वारदातों में तेजी आने लगी है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ बड़े बड़े मॉल, होटल और सोसाइटी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि पारा बढ़ने की रफ्तार यही रही तो क्या दिल्ली में हीट वेव अलर्ट प्लान भी लागू किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को 1 मई से लेकर 30 मई तक आग लगने की 3,796 कॉल आई हैं। मालूमात के मुताबिक आग लगने से मई के महीने में ही कुल 12 लोगों की मौत हुई है और 80 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच दिल्ली फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने 24 घंटे शिफ्ट में काम किया है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि हम लोग किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं,
हर रोज 200 के आसपास कॉल आ रही हैं और पिछले कुछ घंटों में ही 183 कॉल आई हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कॉलें हैं। अगर ऐसा ही चला तो बहुत जल्द हीट वेव प्लान 2024 जारी करना पड़ेगा। अगर गर्मी की सूरत हाल यही रही और दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं। मुल्क भर में गर्मी की मार जारी है और इसमें सबसे ज्यादा मुतासर इलाका शुमाली हिंद का है, जहां गर्मी का सख्त चेहरा रोज बरोज मजीद सख्त होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 24 घंटे के दौरान गर्मी और लू से करीब 15 पोलिंग अफसरान की मौत हो गई है। आपको बता दें, गर्मी के चलते अब तक यूपी में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आज वहां 7वें फेज की वोटिंग के दौरान भी कई लोग बेहोश हुए हैं। इसी दौरान पोलिंग ड्यूटी पर तैनात 15 अहलकार भी इस तपती गर्मी की भेंट चढ़ गए हैं, जिनमें 13 मिर्जापुर और 2 सोनभद्र से थे। वहीं इस गर्मी को देखते हुए योगी हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि लू से मरने वालों के घर वालों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए लाश का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग आज 8 रियासतों की 57 सीटों पर हुई और आज इन आखिरी फेज में पीएम नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत समेत 904 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। आपको बता दें कि इन लोकसभा इंतखाबात के नतीजों का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। 7वें फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटों और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग हुई। आज के इस आखिरी फेज की वोटिंग की खास बात ये रही कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की सीट से मैदान में उतरे थे और ये तीसरी बार है कि पीएम मोदी इस सीट से इलेक्शन में उतरे हैं। आज के इस आखिरी जंग में 57 सीटों के लिए 904 उम्मीदवार लड़ रहे थे। बंगाल में 7वीं और आखिरी फेज की वोटिंग के बीच फिर तशद्दुद भड़क उठा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के चलते भांगर में बमबारी हुई, जिसमें सीपीएम और आईएसएफ के कई कारकुनान जख्मी हो गए। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में हर इंतखाबात के दौरान झड़पें होना आम बात हो गई है। कल देर रात जहां आईएसएफ के कारकुनान ने टीएमसी के कारकुनान पर हमला किया था, वहीं आज सुबह वोटिंग के दौरान आईएसएफ और सीपीएम के कारकुनान में झड़पें हुई, जिसमें बमों से हमला किया गया। वहीं दूसरी जानिब ये भी देखने को मिला कि वोटिंग के लिए आ रहे लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद गुस्साई आवाम ने कहीं ईवीएम पर पानी डाला तो कहीं ईवीएम को ही पानी में फेंक दिया। फिलहाल इस तशद्दुद भरे माहौल के बाद आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हुई और अब इस तशद्दुद का इल्जाम बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के सर करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात अपनी मंजिल पर पहुंचने के करीब है। आज आखिरी फेज की वोटिंग होने के बाद अब सबको 4 जून का इंतजार है, जब जीतने वाली पार्टी के साथ साथ मुल्क के अगले वजीर आजम का भी ऐलान किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज इंडिया अलायंस की मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली रिहायश गाह पर हुई, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरान ने शिरकत की और आने वाली 4 जून के इंतजामात को लेकर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही जेल जाने के पहले अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा इंतखाबात आज अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं और उसी के साथ आज से एग्जिट पोल भी शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया, जिस पर बीजेपी लीडर अमित शाह ने बड़ा जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से ही डिनाइल में आ चुकी है और उसे अपनी हार का पता चल गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 1 जून की शाम चैनलों पर एग्जिट पोल पर होने वाली डिबेट में कोई भी लीडर और कारकुन हिस्सा नहीं लेगा। इसी को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस कहती रही कि उन्हें अक्सरियत मिल रही है, लेकिन अब हकीकत उनके सामने है। उन्हें पता है कि एग्जिट पोल में भी उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने मजीद कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि उसे एग्जिट पोल के बाद मीडिया के सवालों का सामना करना पड़े, इसलिए कांग्रेस इसे बेकार बता रही है और डिबेट से किनारा कर रही है। आरजेडी के लीडर और बिहार के साबिक वजीर आला तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आवाम बीजेपी के मंसूबे जान चुकी है और इस बार लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और आईन जैसे मुद्दों पर वोटिंग की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया है। एक तरफ शुमाली हिंद में गर्मी की मार है तो दूसरी जानिब नॉर्थ ईस्ट की रियासतें रिमल तूफान से हो रही तबाही का शिकार हो रहे हैं। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में सैलाबी सूरतेहाल बनी हुई है, जिसके सबब
कई लोगों की मौत हो चुकी है। आज जून की पहली तारीख अपने साथ लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। दरअसल तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है और ये कीमत भी कोई 1-2 रुपए नहीं की गई है बल्कि पूरे 72 रुपए हुई है, जिससे मुल्क की आवाम को बड़ी राहत मिली है। मालूमात के मुताबिक रिलीफ देते हुए कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त कमी कर दी है। तेल कंपनियों की वेबसाइट के मुताबिक इन कीमतों को आज से ही लागू किया गया है। राजधानी दिल्ली और मुंबई में 19 किलो के सिलेंडर की नई कीमत में 69.50 रुपए की कमी हुई है। वहीं कलकत्ता में सिलेंडर 72 रुपए सस्ता हुआ है। चेन्नई में भी सिलेंडर की कीमत में 70.50 की गिरावट हुई है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है बल्कि अप्रैल और मई में भी 3 बार कीमतों में गिरावट हुई थी, जिसमें 20 रुपए का रिलीफ दिया गया था। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन में बम होने की खबर सामने आई। इसके बाद पूरे स्टेशन में खलबली मच गई और यात्रियों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया। थोड़ी ही देर बाद NSG की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच करने पर ये पता लगा है कि स्टेशन से 100 मीटर दूर विस्फोटक पदार्थ पाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर में 2 ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया, जिसके बाद NSG की टीम ने मौके पर पहुंच कर दोनों ग्रेनेड को डिफ्यूज करने का ऑपरेशन चलाया। घंटों की कड़ी मशक्कत और रोबोट की मदद से रात लगभग 12 बजे दोनों ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। बॉम्ब डिफ्यूजन टीम ने जांच के बाद बताया कि मिला हुआ सामान ग्रेनेड पिन थे, जिसमें पटाखे का बारूद भरकर आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।